पनपता पिता पुण्य से, किंतु रुकता नहीं खेल तकदीर का। अपने मेहनत से जो वक्त को मोड़ दे, हो तो सम्मान है उसके तस्वीर का। कर्म अनुसार फल पाता हर आदमी, वक्त की ध्वनि नशा में सुनाई ना दे। शूर होता है जब कोई अभिमान में, आंख रहते हुए कुछ दिखाई न दे। पुत्र प्रतिपल पनपता पिता पुण्य से, वाह रे पिता। कोई घमंड में शूर हो, के वो अहंकार में शूर हो, कितना दुनिया के समझावल जाओ, लेकिन बिरहा में गजल का नमूना कैसे मास्टर। अरे घूंघटी घूंघटी में जैसे चंदा, घूंघटी में जैसे चंदा, शर्मा के कुछ कहते बा। शर्मा आदरणीय परम अदमी तहुए अदमी, अरे अदमी तहुए अदमी, नियत बदल गई बा। नियत बदल गई बा, नियत आयना के आज्ञ भैया सूरत बदल गई बा। अदमी तो हुए अदमी, नियत बदल गई बा। अदमी तो हुए अदमी, नियत हमारे बिरहा को शुरुआत यही जैसे बा। कहानी कहां कबा के करबा मास्टर अबा। किसी में हौसला है, किसी में हौसला है करके कुछ दिखाने में, कोई कुछ बिन किए ही रह गया जमाने में। किसी को है मजा किसी के घर का खाने में, कोई पता मजा बस अपना ही खिलाने में। बा भैया दियो, पिता की संपत्ति बचा लो पूत कहते गए, बढ़ा दे आगे तब सच्चा सपूत कहते हैं। पिता के धन को लूटा दे कोई फूटानी में, आधारित है इसी बात इस कहानी में।
कहानी कहाँ कबा प्रांत यूपी प्रांत यूपी में है नगवापुर गांव जहाँ पिता शिवनाथ तीन बच्चों में लगाव रहा। उत्तर प्रदेश के नगवापुर गांव का कहानी कहानी के करह शिवनाथ जेकर तीन बेटवा अजय बिना और दीपक अपने तीनों बेटों को पास में बुला करके शिवनाथ एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं वह तर्ज लगल मास्टर क्या बात है जियो वह तर्ज खनमूना हो बड़ा हल्ला हो चारों तरफ कि हमारे गुरुजी आदरणीय परम सम्मानित प्यारे लाल गुरुजी का लिखल गीत जौन के दुनिया में तहलका मचोले बाखवन गीत है। कौनो लड़की कहले बा का यह कहले बा गलत जैसे गलता व्यदिया जैसे सरसों के सगिया ताजा शिवनाथ अपने बेटों को पास में बुला कर यही कहे तोहके सजावली रही ए बेटा गौर करो मैं क्या कह रहा हूं तोहके सजावली रही बाप के कमाई आया बेट तोहके सजावले रही बाप के कमैया या बेटा कबहू नक्का में आई कबहू नक्का में आई बाप के रुपैया ये दे क्या बात है क्या बात है जवन हमार जगह जमीन बनावल है उतने में लोग मिलजुल कर रहा संतोष कर रहा भगवान सब कुछ देख लेन दुख और सुख सब कुछ लेकिन का कह लेन धन न काम आवे नानी पानी जा जमानी के दल दल में लेके जाई धनवा बेईमानी के धनवा बेईमानी अजय बिना तुम भी आओ दीपक मुट्ठी में जमाना काली मुट्ठी में जमाना काली आपके कमैया ये बेटा मुट्ठी में जमाना काली आपके कमैया ये बेटा कबहू नखा में आई कबहू नखा में आई पाप के कमैया ये बे कहल कि पाप का कमाई कबो कामे ना आवत सुना इतनी बतिया सुन करके बड़ा बेटा जो अजय था
गुस्से में हो गए लखन के छ अजय कहता है क्या वह तर्ज हो सुन कैला रजू अरे सुन कैला रजू कचौड़ी गली सुन कैला रजू क्या कहता है पिताजी सुनिए रोक दिया डांट दिया पिताजी को अजय बड़ा बेटा शिवनाथ का हाथ पकड़ के एक बात कहा क्या अरे ज्ञान बाटे सब अरे हो ज्ञान बाटे सब बुढ़िया में ज्ञान बाटे सब अरे जवानी में कारला तूफान हो बुढ़िया में ज्ञान बाटे सब बुढ़िया में ज्ञान बाटे सब बुढ़ौती में सब कोई ज्ञान बाटेला पिताजी बड़ा तूफान लो कैला क्या कहा हमके न चाहिए तोहार धन दौलत अपने बल पे आगे बढ़ब हौ हिम्मतिया की बुढ़िया में ज्ञान बाटे सब ही पावर देखी पावर देखी सगरो जहान हो बुढ़िया में ज्ञान बाटे सब ही बुढ़िया में ज्ञान बाटे सब पिताजी के बड़ा तकलीफ भेल अजय कहलन कि ना चाहिए तुहार धन दौलत जौन हिस्सा बखरा में दे दिया ले ले इतनी बतिया सुनते मझिलका कहलस विनय कहता है क्या कहता है वह तर्ज लगल कौनो भक्त भगवान से कहलस अपने मलिकार से कहले बका तोहरे भरोसे बरम बाबा झिझिया बना लियऊ हो बरम बाबा झिझिया बना लियऊ हो बरम बाबा झिझिया में होई हो सवार आंगनवा बरम बाबा झिझिया बना लियऊ हो और बेटा कहा है पिताजी कौने चिंता में हुआ बड़का भैया मतिन हम ना है पिताजी सुना बेटा विनय अपने पिताजी से कहता है क्या गोड़वा के धुरिया ले ही ले ही करब मजूरिया हो गोड़वा के धुरिया ले ही ले ही करब मजूरिया हो एहो बाबू करब खेती बरिया हो एहो बाबू जी हले रही ये सैया आशीर्वाद जी निगिया हमारी सवारी ये लुजाई हो एहो बाबू आशीर्वाद जी निगिया कहलस के जवन जगह जमीन मिली मेहनत करब मजदूरी करब पिता कुछ न कुछ करब लेकिन गलत रास्ता पर ना जाब इतनी बतिया कलस लेकिन छोटका सबसे छोटका जो दीपक था वो क्या कहा छोटका कहेला हम के तुदी अल जन्म हो संगे बटे हमारे करनवा हो एहो बाबू सागरे पूजाई बदिल कया सजी निगिया हमारी सवरी नुजाई हो
तीनों लोग अपन अपराध पिताजी के, लेकिन कुछ दिन बीतल शिवनाथ स्वर्ग सिधार गेलन। अजय विनय और दीपक में बंटवारा भयल, जकरे हिस्से जवन चीज आयल। अब अपन अपन लाइन बदलन लोग, अजय कौने रास्ते पकैलन मास्टर उहे तर्ज लगल। बड़ी चर्चा है तर्ज क कोनो दुलही ते मोटी ताजी रहल, दुल्हा एखरे मथिन रहल। कहलेस का केहू के पियावा छोटे छोटे मोटू केहू के पियावा, केहू के पियावा छोटे छोटे मोटू केहू के पियावा, पातर पातर पियावा के, पातर पातर पियावा के हब छोरा घर तीरियावा, पातर पातर हम छोरा घर तीरियावा, बड़का बेटवा अजय कवर रास्ता अपनौलन। बड़का भाई लिसराबी कबाबी महुर कबोल सबियावा, बड़का भाई लिसराबी कबाबी महुर कबोल सबियावा हो, पिया में बेचल स घरवा जमीनिया, पिया में बेचल स घरवा जमीनिया, लोटा आओ थारियावा, पिया में बेचल स घरवा जमीनिया, लोटा आओ थारियावा हो। एक नंबर का बड़का शराबी कोठा फबिजाए लगलन, इश्कबाजी दारूबाजी में एकदम अंधा हो गईलन। अजय भूल जाता है घर परिवार को, सुबह से लेकर के शाम तक, दोपहर से लेकर के रात तक दारू में डूब गईलन। सब कुछ भुलाए गेलन, खेलन का मेहर फटल लुगरी में दीनावा बितावे, मेहर फटल लुगरी में धनवो लुटावे, अपन देहियो गवावे, देहियो गवावे। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ एक घटना घटल का, यही में बोझा, यही में बोझा बन के कपारे ऊपर चढ़ल बिटियावा, यही में बोझा बन के कपारे ऊपर चढ़ल बिटियावा हो, पिए में बेचल स घरवा जमीनिया, पिए में बेचल स घरवा जमीनिया, लोटा जाओ थरियावा हो, पिए में बेचल स घरवा जमीनिया, जर लोटा जाओ थरियावा हो। घर का बर्तन तक दारू पियाई में बिक गई, दारू पिया तो मेहरारू के लगे सुतल तो भूल ना, वही में एक लड़की पैदा भइल जो कि समय के साथ धीरे धीरे शादी करे लायक हो गई, शादी करे लायक हो गई, बाप के बात के कुछ ना समझला, टेरी लगल। किस्मतिया कमने मोड़ी पे गजल, लात से रगर के फेकलस कहल बाप के, बतिया यही रे बतिया, यही रे बतिया मार। किस्मतिया कवने मोड़ पर गयल, लात से रगर के फेकलस कहल बाप के बतिया। और मझला लखा जो विनय था, विनय कौन रास्ता अपनौलन, एक जने तो शराबी कबाबी हो गईलन, लेकिन विनय जो कि बीच वाला लड़का था, विनय कौन रास्ता अपनौलन, कैसे मास्टर आवाज। अरे मझिला लड़का गुंडा बन के,
गुंडा गरदी अपन वले बा लुटल स छोरल स मरल स जनवा धनवा का महल खड़िया वले चार लाख चर चक्का परी चार लाख चर चक्का पर समधि से बात बनवले बा समधि से बात बनवले बड़का भैया अजय खबिटिया सयान हो गई चिंता में परेशान बीमार फूटी कौड़ी तक ना रास्ता बिना का क्या था केहू के मरलन केहू के छोड़लन चोरी हत्या पाप करके पाप के कमाई से बड़का महल खड़ा कर दिलन भैया से कहल अरे भैया कौने चिंता में हुआ अजय बोला कि भाई ये चिंता में कि बिटिया सयान हो गई बिना डांट दिया अरे कई रुपया चाहिए कितना दहेज चाहिए कल कुछ ज्यादा ना 4 लाख रुपया चार चक्का गाड़ी का मांग हो तुरंत कलश की चला बिटिया का ब्याह हम करब बिना डांट दिया कहा भैया चिंता मत करिए बिटिया का शादी हम करब अपने पैसा से करब शादी तय हो गई शादी का तारीख कितना रखाइल 17 जून 17 जून के चार चक्का गाड़ी 4 लाख रुपया पर ब्याह तय हो गया अब्याह तय भयल एहर 16 तारीख के बिना निकल गई लन फिराक में 4 लाख रुपया जुटाओ में चार चक्का गाड़ी ले आओ में 16 के चल गए 17 के शादी है बारात दरवाजे पर आ गई 17 तारीख के जब आ गई पंचो आए हाय 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 वह तर्ज लगल कवन तर्ज हो शादी ब्याह में दुल्ही जुटाली लोग अपने में बतियावली मेहरारू लोग अपने में आपस में बात मेहरारू लोग करिए कि कहो तुहार कैसन हुए वो कहे तुहार कैसन हुए तो वही में से एक मिला पट से बोली का कौन रंग घोड़ा वा कवन सवार दिल जनिया सख कौन रंग दुला तुहार हमार दिल जनिया बियाहे का गीत में हरान का गीत कहाँ के होगा जौन हमारे दुर्जन गुरु जी गावेलन दो नामे भर भर बनरन के मिठाइया आयल रे वह प्रसंग हो बराती लोग जुटला दरवाजे पर घरत यहाँ सेवा करे में परेशान हुआ कैसे मालिक मिलल भरल भरल दो ना बर्फी लड्डू पेड़ा से ना बराती हवन बरती हवन छूटा खाए में पसीना बरती हवन के छूटा खाए में पसीना आजकल नया सिस्टम हो चाटे चाट प्लेट भर चाटे चाट प्लेट भर चाटे में जिभिया गोइल जोर बरती हवन बरती हवन के रो भइल फरहर बरती हवन के बरती हवन के चाटे चाट प्लेट भर चाटे में जी भी गइल जर लेकिन बरतिया हुआ उमंग में हुआ नसद गावत पहुंचलन तबले लड़िका का बाबू जोन हुआ कल समधी के बोलावा 4 लाख रुपया चार चक्का कहाँ हो बैठल मड़वा में दूल्हा समधी तोरा ला पगावा बरती है बरती है ऐसे हो ना बियावा बरती हुवन कहल कि का 4 लाख रुपया चार चक्का कहाँ हो जबले हम अपने आँखी से देखो ना तबले बियाह हुआ होई न बोलावा समधी के तबले भयल का कहला गाड़ी संगे 4 लाख जबले देखी ना मोरे आँख बरती हवन के
भाग जा लोग हट जा। बोलावा समधी के, अरे बाप रे बाप, मौके पर माफी एकदम सुन हो गई, गुलाब के फूल नियर से मुरझा जाला। सब कोई समधी के खोजत हुन, भगवान के कृपा भइल, पाप का कमाई, वो तो बाप का कमाई शराब दारू में लुटा दिलन, एहर पाप का कमाई। वही रतिया 4 लाख रुपया चरचक्का का जुगाड़ कह के आओत रहना, विनय रस्तवा में कोनो मुखबिरी कह दे, विनय धराई गिलन। गुंडागर्दी हत्या केस के धारा लगल, चल गिलन जेल। यार 4 लाख रुपया चार चक्का का बात अधूरी रह गई। यार लैका का बाबू समधी तोरावे लगल, कहलक बियाह हो ना का बंद करा। तब ले लड़किया खड़ी हो गई बाबू, वो सीता खड़ी हो गई दुल्हन के रूप में है, खड़ी भई और खड़ी भोर के हाथ जोड़ के एक बात कहलस। का कहलस? भैया लोग यह कहलस का, बिरथा बा बिटिया जन्मवाए बाबूजी, जन्मवाए बाबूजी, अपानी से पातर मोर करमवाए बाबूजी, करमवाए बाबूजी। लड़की कलश हमारे दुनिया में आई, पाप कवन ऐसा कमी हमसे भइल कि आज हमारी हालत होते दरवाजे पर हम बेइज्जत होते। कहले बा का जाने कवन चुक अजनगी में कोईली, अब बाबूजी के राते टुवारा हम भइली, आय हाय हाय बाबू कलश की कौन ऐसा चूक। और वो अजय जो कि शराब में सब कुछ लुटा चुका था, कोने पर बैठ करके आंसू बहा रहा है कि अगर आज हम पिता का बात मन ले हुई तो ई दिन न देखे के होत, भाई के भरोसे पाप के कमाई के भरोसे आज हमारी हालत है। रो रहा है लेकिन तब तक भयल का समधी कलश है, नजारा मत दिखा, जब तुहरे बाप के हैसियत ना रहल 4 लाख रुपया चार चक्का देवे के तो काहे बात कैलन, काहे हामी भरलन। लाओ 4 लाख रुपया चार चक्का भी शादी होगी। बिटिया रुवत बा, समधी कहा क्या रे नदान लड़की, क्यों आंसू पर एक पानी दार को छेक रही, अरे झोपड़ी में रहने वाली तू क्यों महल का सपना देख रही, अपने औकात में रह के तू सपनों के रथ पे चढ़ लेना, एक भिखमंगे की बेटी भिखमंगे का साथ पकड़ लेना। जा, या कोई बहाना या कोई रोना धोना नहीं चलेगा, हम लोग इज्जतदार है, पानीदार है, एक पानीदार मर्द के ऊपर उंगली मत उठा। दूल्हा भी उठ गयल, लेकिन आपका कमाई, बिरहा सुने वाले भाई बाबू लोग देखा, आपका कमाई, बाप का कमाई पर अजय कई हालत भइल, पाप के कमाई पर विनय का हालत भइल, लेकिन जवन पिताजी के बतिया मलन एको बिस्सा जमीन ना बेचलन, आपका कमाई अपने बल पर अपने दम पर जितना कुछ बनौले रहलन, लेकर के जमीन का कागज पेपर का कागज आ गया, आ गया मड़वे में हाथ जोड़ के कलश की, ना समधी, ना समधी इज्जत का बात है, ले ला घर, ले ला द्वार, ले ला मकान, ले ला सब कागज रेडी है, ले ला, लेकिन बिटिया का शादी मत रोक। हमार बिटिया कब बारात यहां से जाई, आय हाय हाय बाबूजी, डांट दिया कलश की, सुनो तीसरा भाई दीपक बोला, तीसरा भाई दीपक बोला, सब कुछ चुपका कर दूंगा, गिरवी रख लीजिए खेत मेरा, दीजिएगा कर्ज जब भर दूंगा। समधी बोला ये बाल तू, अरे समधी बोला ये बाल तू, धूप में समझो मेरे पके नहीं, क्यों राजमहल का देख रहा सपना, जब पास में कौड़ी टके नहीं। बिटिया तो बिटिया, तो हूं लोग राजमहल का सपना देखत हुआ जा, हिताई नताई कयास पड़ोस को
गांव के औरत जितना मड़वा में रहलिन कहली कि बाप रे बाप, बिटिया के सहजे में ब्याह न हुई, इन्हन के 4 लाख रुपया चार चक्का चाहत हो। एकता बना करके गांव गढ़ू गुहार, जैसे कहल गए गांव गढ़ू गुहार, हिताई नेताई के मेहरारू, आस पड़ोस के गांव के लोग अलिन। अब मड़वे में एक बात कहली का पहपट लगल, खड़ी हुई मंडप में सब मेहरारू झाड़ू मारा हो, अधन का लोभी धन पे हुए उतारू झाड़ू मारा हो। बारे मास्टर बाद दियो दियो खड़ी हुई मंडप में सब मेहरारू झाड़ू मारा हो, और धन के लोभी धन पे हुए उतारू झाड़ू मारा हो। बिटिया का ब्याह न होई, मेहरारू एक कमाल कलिन, का कलिन, अंगूठी सिकड़ी निकाले दहली और दहली झुमका बाली हो, पूरे गांव का लोग रुपया घर से दिए निकाली हो। जेकरे जवन अटल सिकड़ी अंगूठी काने का बाली सब कोई निकाल के मड़वा में फेंके शुरू कैलस। कुछ देर में गजगल ढेर का सोना, समधी देख के लालच में पड़ गिलन, कहला पंडित जी, पंडित जी कहला का, मेरू कनी के ले 4 लाख ना 8 लाख ले, 8 ना लाख 12 लाख ले, लेकिन बिटिया का शादी रुके के ना चाहिए। पूरे गांव के आदमी रुपया पैसा जोमन कुचरल फेंक दिल मड़वा में आगे, धन गज गयल, धन का लोभी धन पे लुभाई गेलन, लोग लुभाई गेलन। तो भैल का एक बात कहली, समाज में जब बन के रहे उबारू झाड़ू मारा हो, अरे बनल साला ई कुबेर का साढ़ू झाड़ू मारा हो। बाप का कमाई खत्म, बाप का कमाई खत्म, अपने आप का कमाई से गांव घर का इज्जत बचल। आए है बाबूजी, इतनी बतिया सुन करके समधी मुस्किलन, कल के 4 लाख मंगली 8 लाख 12 लाख मिल गए, अब तो शादी हो गई। बेटवा बैठ जो, दुल्हा लब्दे बैठल, कल पंडित जी आल्हा का भाव लगल, कैसे मास्टर? अरे बाप के कमाई लेके, अरे बड़का ललनवा एक नंबर का निकलल दारू बाज इश्क बाज, अरे एक नंबर का निकलल दारू बाज इश्क बाज। बाप का कमाई कैलत मझिला ललनवा, सब कुछ जब्त भयल टूट गयल नाज, बाप यौरी आपका कमाई लेके छोटका, मंडप में खड़ा भयल रखे खातिर लाज, गांव भर के धन लेके खुश भयल समधी। कहे गुरु कराय बियाह का काज, सीता रूपवा से लेके दुर्गा बनी गईली। कहन लगी कान खुल के सुनो दगे बाज, तोरे ऐसी ना दमी के थूक बना दुआरावा, एक ऐसा दुल्हा का मुंह देवा भाज, रही के कुआर हम बिताई लेकिन गी
तुहरे ऐसे आदमी से बिगड़ल समाज खड़ा भाई बारात में से इकट्ठे जवाना ये भैया खड़ा भाई बारात में से इकट्ठे जवाना कहने लगा हाथ जोड़ के कई के ले हाथ सोना सानी रुपया गजल देख के समधी के मंडोल गयल कलश पंडित जी मर्त शुरू करा बैठ जा लड़की बैठ जा अय है बाबूजी खड़ा हो गई घूंघट हटा दी सर से और कही कि का सोचत हुआ कि धन लेके तू हमके अपने घरे के बहू बनी बनना ऐसन कब्बो ना होई तोहरे यमने का तोहरे दुआरे थूक तक न जाब तोहरे बेटवा हमार शादी ना होत न तोरे बेटवा कभी शादी न हो दे इतने पर से बाबू वही भीड़ में से एक बराती नौजवान सीना तान करके खड़ा हुआ और एक आवाज दिया क्या आवाज दिया हाउ तू घर के लक्ष्मी बखान केतना हम करी हमारे आंगन में सीता तुहरी डोली उतर जवान यही बोला कि बहुत लड़की देखली सुंदर रहली पर संस्कार ना रहल संस्कार रहल तो सुंदर ना रहली तोहरे अंदर तोहरे जज्बा के देख के तोहरे हौसला के देख के हमार घर स्वर्ग हो जाई ये समाज में हम कहती सब कुछ तैयार है नया कपड़ा भी पहन ले ही हम तो राजी है अगर तू राजी हुआ भयल का यह भयल आनन फानन में हो गई सगर तैयारी अब भैला से अनुरदान मंगल गुजा लाडुआरी तुहरे जैसन दुलही पाक के जिंदगी सुमरी हमारे आंगन में सीता तुहरी डोली उत आनन फान में सब तैयारी भइलू है गांव का मेहरारू झूट करके उस नौजवान के साथ सीता की शादी करवाए लोग हंसी खुशी से लेकिन उसी मंडप में वो दोनों लोग खड़े थे दहेज के लोभी धन के लोभी वो लोग के का काम भयल सीता का काम कैली लड़की फट से 100 नंबर के फोनवा लगवली खत्म कैली खेलवन के जेल भेजा वाली लड़की फट से 100 नंबर पे फोन लगा दी जौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा आसा पास गाड़ी रहे ले 100 नंबर पर कॉल करते ही मात्र 10 या 15 मिनट में गाड़ी मौजूद हो जाली और 100 नंबर पर फोन करते ही आजू बाजू से गाड़ी आ गई और धन लोभी दहेज लोभी के उठा करके जेल खाना में लेके लोग चल गए एहर भयल का मान के बेटी मान के बेटी विदा कैलस गौआ नगरी हमारे आंगन में सीता तुहरी डोली उत जियो जियो भैया क्या बात है धन का जो लोभी हुमन वही से आज समाज गंदा हो क्या बात है बिरहा यही पर समाप्त भइल हमरे बिरहा का शीर्षक रहल
बाप का कमाई, पाप का कमाई, आपका कमाई। तो आपका कमाई सबसे बढ़िया है, ईमानदारी का कमाई सबसे बढ़िया। बिरहा खत्म भई, गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरु पत्तू अच्छा बरजी अनुरागे, भैया लाल का देव बचा लो सूरज कभी भी जागे। पंकज प्यारे लाल ना सब कुछ दौलतिया, किस्मतिया कौने मोर पे गई।